हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, करारी और कुरकुरी मसालेदार भरवा भिंडी की रेसिपी, तो वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ सबकी पसंदीदा रेसिपी, मसालेदार कुरकुरी भरवा भिंडी की एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। लिया है इसे, अच्छे से धुल के कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। अब चलिए हम लोग आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भिंडी को कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से कट करके आपको इसको बीच से ऐसे चीरा लगा लेना है। हमने भिंडी को बीच से कट कर लिया है। अब चलिए हम लोग भिंडी में भरने वाला मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे हमने दो बारीक कट की प्याज ली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अचार का मसाला। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चम्मच चने का बेसन, स्वाद अनुसार नमक। अब चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म कर देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम लोग इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम लोग भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिलाएंगे, इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 मिनट तक भून लिया था, गैस का फ्लेम लो रहेगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चने का बेसन, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक आपको एकदम हिसाब से ऐड करना है। तो अब इसमें अचार का मसाला भी ऐड कर देते हैं। मिला लेंगे, गैस का फ्लेम लो रहेगा। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करते हैं, मिला लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी का भरने वाला मसाला तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम लोग ऑफ करते हैं और अब इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो गया, अब चलिए हम लोग इसे भिंडी में भरते हैं। एक भिंडी लेंगे, जहाँ से हमने इसको कट किया था उसके अंदर हम लोग मसाला डालेंगे ऐसे। ये देखिए, जितना आप भिंडी में मसाला भरेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी भिंडी बनेगा। तो ये देखिए, ऐसे आपको सारे भिंडी में मसाला भर लेना है। ये देखिए, हमने सारे भिंडी में मसाला भर लिया है। अब चलिए हम लोग भिंडी को फ्राई करते हैं। जिस कढ़ाई में हमने भिंडी का मसाला बनाया था उसी कढ़ाई में हम लोग भिंडी फ्राई करते हैं। अब हम लोग इसमें सरसों का तेल डालेंगे, जितने में भिंडी फ्राई हो जाए। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया, अब गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हम लोग भिंडी डालेंगे। अब भिंडी को हम लोग अलट पलट के लो मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट ही लगेगा भिंडी को ब्राउन होने में। ये देखिए, भिंडी ब्राउन हो गई है, ये देखिए। अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम लोग और भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। ये देखिए, हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारी और मसालेदार भरवा भिंडी बनके तैयार है। कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है और ये बनाने में बहुत आसान होती है, तो जरूर बनाइएगा। और भिंडी तो सबकी फेवरेट होती है, तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।